हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप 10,000 रुपये लगा के 1 करोड़ रुपये बना सकते हो। मुझे लगता है कि ये कंपनी 10 सालों में 10 गुना हो जाएगा भाई, 1000% रिटर्न बन जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाते हो तो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा कंपाउंडिंग के थ्रू। इस कंपनी के भाई बड़े बड़े प्लेयर्स क्लाइंट्स हैं, जैसे ब्रिटानिया, डाबर, पार्ले जी, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, ITC, HUL और भी कई बड़े प्लेयर्स भाई इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, पैसा बनना होगा भाई तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। आप लोग का भाई पैसा भरा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते, नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनके सर्विसेस अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसे ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 608.34 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1043.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 608 से 1043 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। वो 610.51 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1064.20 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 610 से 1064 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 112.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 222.25 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 112 से 222 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एविटा देख लो, एविटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एविटा था वो 115.07 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 242.48 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एविटा है ईयर टू ईयर वाइज, 115 से 242 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई, तो आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से बनेगा। तो इस कंपनी में पैसा लगाइए, अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, तो भैया छोटी कंपनी में छोटा ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 10-15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप लोग इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले 10 सालों में आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। 10,000 रुपये का 1 करोड़ रुपया भी आप बना के दे सकता है कंपाउंडिंग के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बेस का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 55.32 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 129.01 हो चुका है। उधर से तो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टू ईयर वाइज, 55 से 129 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में पैट था 55.32 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 129.01 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, तो
तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। 10,000 रुपया लगा के छोड़ दो, आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है भाई। फाइंड ऑर्गेनिका और मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी फ्रेंड वो ऑलियो केमिकल बनाती है, बड़े बड़े प्लेयर्स भाई इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, ब्रिटानिया, HUL, डाबर, बर्जर पेंट, एशियन पेंट और भी कई बड़े प्लेयर्स भाई इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। पहले भी मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ भाई, 1100 रुपये से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ, वो मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैं 1108 रुपये के प्राइस पे इस कंपनी पे फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था। अभी ये स्टॉक भाई डबल हो चुका है, लेकिन भैया ये कंपनी यहाँ से भी आपको बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में आपका खूब पैसा बनेगा। 10 साल में भाई स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 10 साल में 1000% रिटर्न बना के दे सकता है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाते हो तो आपका 10 साल में पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा कंपाउंडिंग के थ्रू। तो आप लोग इस कंपनी में 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। क्वालिटी कंपनी के भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप रिलायंस इंडस्ट्री वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, TCS से वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो भैया रिलायंस और TCS में पैसा लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग तेज़ी से पैसा बनाएं जैसे मैं बनाता हूँ। बजाज फाइनेंस से मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ, रिपीटेड वीडियो बनाता हूँ ना, आज देख लो बजाज फाइनेंस कहाँ है, फिर से ब्रेकआउट हो चुका है। अब 5,000 होगा कि 6,000 होगा कि 10,000 होगा किसी को पता नहीं है। मैं भाई जज नहीं कर सकता कोई स्टॉक कब चलेगा कब नहीं चलेगा, लेकिन भाई अगर क्वालिटी कंपनी खरीदते हो ना तो आपका पैसा बनेगा। तो कोशिश कीजिए फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाने का। जो भाई स्टॉक महंगा है ना वो और भी महंगा होगा, ये बातें आप लोग कब समझ में आएगा मुझे नहीं पता। फाइन ऑर्गेनिक का मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोग को पता हो गए फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में गया, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई एटी फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक फ्रेंड बहुत तरह के होते हैं, मैं जो कीवर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो भी प्लास्टिक का है। आपके घर में फर्नीचर होगा वो भी प्लास्टिक का है, बाथरूम का गेट देखोगे तो भी प्लास्टिक का ही होता है, टब मग ये सब तो प्लास्टिक का ही होता है ना। 84 फूड, 84 रबड़, 84 कॉस्मेटिक एंड फार्मा, 84 पेंट एंड इंक्स। पेंट एंड इंक्स में जो इनके क्लाइंट्स है भाई वो बर्जर पेंट, एशियन पेंट, कंसाइन नेरोलैक और भी छोटी छोटी जो कंपनी है वो इसके क्लाइंट्स हैं। 84 टेक्सटाइल, 84 स्पेशलिटी एप्लीकेशन। तो आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में फाइन ऑर्गेनिक को जगह दीजिएगा, 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा भाई। मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको 10 सालों में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। 10 साल में स्टॉक 10 गुना हो सकता है, बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न बना के दे सकता है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड अब तक किस टाइप से टर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे 10 साल का टर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का टर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो 783 रुपये के प्राइस पे आया था और मैं इस कंपनी पे फर्स्ट टाइम 1100 रुपये वीडियो बनाया था, 1108 रुपये के प्राइस से वीडियो बनाया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना टर्न बना के दिया भाई, तो देखो 1 ईयर टर्न है वो 135.77% टर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा। सेंसो का टर्न है 15.75% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में 24.19% टर्न है, सेंसो का टर्न है -0.13% टर्न है। तो भैया ये कंपनी जनवरी के महीने में 24% का टर्न बना के दे चुका है भाई। वन मंथ में देख लो, वन मंथ में 23.85% टर्न है, सेंसो का टर्न है -0.91% टर्न है। वन वीक में देख लो, वन वीक में 7.62% टर्न है, सेंसो का टर्न है 0.20% टर्न है। वन डे में देख लो भाई, वन डे में 4.94% टर्न है, सेंसो का टर्न है 0.57% टर्न है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को जगह दीजिए, 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि फाइन ऑर्गेनिक 10 सालों में 10 गुना हो जाएगा, 1000% का भाई रिटर्न बना के दे सकता है। तो आप लोग अगर इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाते हो तो आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा 10 सालों में कंपाउंडिंग के थ्रू। तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, आवास फाइनेंशियल को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा,
बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही। मैं भैया रिपीटेड वीडियो आप ही लोग के लिए बनाते रहता हूँ। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि तुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं भाई उनका पैसा बन रहा है। बजाज फाइनेंस देख लो, आज 5% रिटर्न बना के दिया है। मैं बोलता था ना कि आप लोग बजाज फाइनेंस पैसा लगाइए, बजाज फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 75% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक में 5.34% होल्डिंग है। आने वाले सालों में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक में 14.22% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में 1.37% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक में 4.07% होल्डिंग है। कोई भी शेयर भाई फाइन ऑर्गेनिक का प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड के पास जो होल्डिंग है वो 5% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक में 3% होल्डिंग है भाई। वैल्यूएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का। पी रेशियो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का 45.61 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू फाइन ऑर्गेनिक का 12.36 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई 0.30% का है। और रोसी रेट देख लो बहुत ही बढ़िया है भाई, 39.52% का। ROE देख लो 27.10% का है। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई एक्सपेंसिव बता रहा है। फाइन ऑर्गेनिक का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 372 से 661 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का, एक्सलेंट बता रहा है भाई। सेल्स ग्रोथ देख लो 5 ईयर का 21.90% का है। एबिट ग्रोथ देख लो बहुत ही बढ़िया है भाई, 42.28% का। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मुझे पैसा लगाना है तो बजट के पहले पैसा लगाओ या फिर बाद में पैसा लगाओ। तो देखो भाई ऐसे जो लोग होते हैं ना कभी पैसा नहीं बना पाते हैं, पैसा वही इंसान बना पाता है ना जो इन्वेस्टेड रहता है, पैसा लगा के रखता है। और जिनको इस मार्केट से डर लगता है वो पैसा क्यों लगाते हैं, जाइए FD कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड का 52B खाई है वो 2475 रुपया, 52B खाई है 1001.05 रुपया। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप हो चुका है भाई। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल में इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ का भी हो जाएगा। और भैया आने वाले सालों में इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ का भी होगा, 50,000 करोड़ का भी होगा, 1,00,000 करोड़ का भी होगा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा के रखिएगा, 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ये कंपनी 10 सालों में 10 गुना हो जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाते हो तो भैया आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा कंपाउंडिंग के थ्रू। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड का पी जो है वो 47.36 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है वही 15.18 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है फाइन ऑर्गेनिक का वो 165.83 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई 50.99 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड जो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का 0.29% का है, फेस वैल्यू 5 का है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को जगह दीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, क्वालिटी कंपनी है। बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के क्लाइंट्स है, ब्रिटानिया, HUL, डाबर, एशियन पेंट और भी कई बड़े प्लेयर्स क्लाइंट्स है। तो पैसा लगाइए, प्योर मल्टीवेल स्टॉक है, 10,000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। पैसा बनना होगा भाई तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। मैं रिपीटेड वीडियो आप ही लोग के लिए बनाते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग बढ़िया कंपनी में पैसा लगाएं जिसमें आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से बने। आप लोग अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का शेयर होना ही चाहिए। आप लोग ओलियो केमिकल के बारे में पढ़िए। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेस ना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।